बच्चों को आपने किलकारी के माध्यम से ऑनलाइन क्लास में जुड़ेगा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो दौड़ने का तरीका, किस प्रकार कौन सा रेस दौड़ते हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि रेस तीन तरह का होता है, स्प्रिंट रेस, मध्यम गति का रेस और लॉन्ग रेस, यानी लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी। छोटी दूरी का रेस ज्यादातर बच्चे जैसे तैसे दौड़ जाते हैं, दौड़ने का भी उन लोगों का अपना स्टाइल है, जैसे मैं बता रहा हूँ। पहला स्टाइल, कोई बच्चे ये चौवा पर ज्यादा दौड़ते हैं, कोई भी रेस में चौवा पर उठा लिए, ये गलत तरीका है। चौवा पर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंट रेस, जो तेज दौड़ होता है, उसको दौड़ने के लिए है, ना कि मध्यम दूरी और लॉन्ग दूरी को दौड़ने के लिए। ये कदापि नहीं है, ये गलत है। आपका पैर इससे दर्द करने लगेगा, आप बहुत जल्द थक जाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे कि 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर का दौड़ आप जब भी दौड़ें तो 100 मीटर ज्यादा से ज्यादा आप और 200 मीटर ये चौवा पर आप दौड़ सकते हैं। जैसे सामने बता रहा हूं कि ये आप शॉर्ट दूरी के लिए कर सकते हैं, लेकिन जहां मध्यम दूरी की और लॉन्ग दूरी की बात आएगी, वहां आपको पूरा पैर बैलेंस करके डालना है। बहुत सारे बच्चे एड़ी डालते हैं, ये भी नहीं है, गलत तरीका है। इसलिए ये पैर पूरा पड़ना चाहिए, पूरा पड़ना चाहिए इस पर, पूरी तरह से, है ना, ये पूरी उठे और दूरी पड़े, तब आप बिना थके ज्यादा दूरी दौड़ सकेंगे। यही तरीका सही माना गया है। आप खुद भी करके देखेंगे, खुद भी पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका हमारे लिए सूटेबल है। एड़ी पर भी दौड़ते हैं तो पूरा पेन करने लगे, आप बहुत जल्द थक जाएंगे, ज्यादा दूरी आप तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा आप अपनी दूरी को और हाथ का भी बैलेंस बनाइए। ये ठुड्डी तक ही ले जाना पड़ेगा, ठुड्डी तक अपना ले गए दौड़ने के लिए। पैर को पूरी तरह उठाएंगे, जैसे आप देख लीजिए, ये पैर पीछे गया, हाथ आगे, और फिर ये टेक्निक करेंगे। या हाथ आप बदल भी सकते हैं, बाया पैर दाहिना, दाहिना पैर बाया लेग। ये देखिए, ये लेवल होना चाहिए, यहां आया फिर ये पीछे गया। आपको इस साइड से दिखाता हूं, ये लंबी दूरी के शॉर्ट दूरी में आप जब भी करेंगे तो ये पैर सीधा उठाएंगे, सीधा डालेंगे। तीसरी चीज, आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत तेज कदमों से चलना है। ये प्रैक्टिस आपको 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे, पूरी तरह 1 मिनट करेंगे। अभी फिलहाल शुरू में आप बहुत जल्द थक जाएंगे, तो 1 मिनट नहीं कर पाएंगे तो 30 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। पहला दिन 30 सेकेंड, दूसरा दिन 1 मिनट, तीसरा दिन 2 मिनट, चौथा दिन 3 मिनट, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे। कुछ दिन बाद देखेंगे आपका स्पीड और ब्रेथ
दोनों ग्रो करेगा, दोनों बढ़ेगा और आप बहुत आसानी महसूस करेंगे छोटी रेस को दौड़ने के लिए या बड़ी रेस को दौड़ने के लिए। दूसरी प्रैक्टिस का तरीका है, आप ये यहाँ स्लो मोशन में मैं दिखा रहा हूं, आप थोड़ा इसे फास्ट कर सकते हैं और फिर इसी को बैक भी होना है, बैक भी होना है और आगे भी। इस तरह आप दोनों कर सकते हैं। फिर स्ट्रेचिंग, एक आता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग इज मस्ट, यानी स्ट्रेचिंग किसी भी दौड़ के लिए या जंप के लिए या थ्रो के लिए जरूरी होता है। आप स्ट्रेचिंग कई तरह से कर सकते हैं, पहला दोनों पैर फैलाकर, ये तो सब कोई जानता है, ये स्टाइल सब कोई जानता है मैक्सिमम। दूसरा इसी दोनों हाथ, तीसरा इसी में, यह हो गया। इसके बाद अगला स्टेप स्ट्रेचिंग का कर सकते हैं, पैर सीधा, ये सिर्फ पैरल है, ये सीधा बहुत सॉलिड। एक चीज और ध्यान देने वाली है, जब भी हम झुकते हैं सांस छोड़ेंगे, उठते समय सांस लेंगे, मुड़ेंगे कि ये स्ट्रेचिंग करने का दूसरा तरीका। इसके बाद आप साइड लेग भी मार सकते हैं, जैसे साइड लेग के साइड में भी कर सकते हैं, दोनों पैर से। आज के लिए आप लोगों को बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।